राधे राधे, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मेरे तुलसी के पौधे को देख रहे हैं, कितना ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसमें एक नहीं कई सारे तुलसी के पौधे हैं। ये मैंने बोए थे और ये एक महीने के बाद अपने आप निकल आए थे। मुझे किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और ना ही मैं प्रयोग करती हूँ। आजकल जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही धूप हो रही है, बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही है, तो जैसे हम हैं वैसे हमारे ये पौधे हैं और हमारी तुलसी माता हैं। हमें इनका भी इस गर्मी के मौसम में बहुत ख्याल रखना है। हमें तुलसी के पौधे को धूप तो दिखानी है पर इतनी ज़्यादा नहीं कि ये मुरझा जाएं। तो इसलिए मैंने ये देखिए इसमें पर्दा भी लगा दिया है कि इनको धूप भी मिलेगी प्रॉपर और छांव भी रहेगी, तो ये गर्मी का इफ़ेक्ट इसमें पड़ेगा नहीं, धूप का इफ़ेक्ट पड़ेगा नहीं और ये मेरी तुलसी हमेशा ऐसी हरी भरी रहेंगी। इनको पर्याप्त मात्रा में पानी हमेशा देते रहिएगा गर्मी के मौसम में ताकि ये मुरझाए ना। और देखिए, मैं इनमें किसी भी खाद का प्रयोग नहीं करती हूँ। इनकी सेवा करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि श्री कृष्ण की भक्ति में इनकी सेवा बहुत ज़रूरी है। श्री कृष्ण को तुलसी अत्यंत प्रिय हैं। उनके हर भोग में तुलसी, उनके हर जल में तुलसी, हर सेवा में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। शालिग्राम को आप तुलसी की छांव में रख सकते हैं। शालिग्राम जी का विवाह तुलसी जी से कराया जाता है। तुलसी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप हमें अपने घर में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।